इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। बड़ा वार्म वेलकम किया गया, पूरी दुनिया देखकर हैरान और परेशान हो। भारत और यूएई ने जिस तरह अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद को जाता है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? सातवां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा शेमफुल। वहां आज अगर एक हिंदू मंदिर बन रहा है तो मैं समझता हूं कि ये सॉफ्ट पावर जो है भारत की, उसकी एक विजय है और इसको हमें सेलिब्रेट करना। उन्होंने जो है एमबीजेड को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। उन्हें ये पता है, अश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। ये बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, तो ये बहुत ज्यादा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं। अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है, मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हम बात करेंगे एमबीजेड मोहम्मद जैद बिन अल नयान, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है 9 जनवरी को। एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के अंदर जो है एक समिट, जो कि छोटा सा समिट है, उसके लिए उन्होंने जो है एमबीजेड को जी इनवाइट कर लिया है और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो यहाँ पर आते हैं और ना ही पिछले 5 सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। सबसे पहले ये जो दुनिया की जो सियासत है या दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहत क्या और हमें लोग बायकॉट क्यों कर रहे हैं? मैं बायकॉट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर वन पे है वो क्यों हमने, यानी कंट्रीज का क्या देना है, कर्जा देना है जिसे बिल्कुल ऐसी है। हाँ। अमेरिका का देना है, दुबई का देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज हैं हमने उनका क्या देना है, कर्जा देना है। आपने भी देना है, मैंने भी देना है, एवरी पर्सन ने, हर पाकिस्तान ने, जो छोटा सारा बच्चा पैदा भी हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसने भी पे करना है। ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है, हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरी थिंग वट एवर एक्सेट्रा कुछ भी है, वो क्या है, सिंसेयर नहीं है इसके साथ, पाकिस्तान के साथ सिंसेयर नहीं है। अब ये जैसे आपके सामने दिसंबर में आके बिल्कुल सारे उठ जाते हैं पुलिस वाले, चलान हो रहे हैं, मैंने खुद पे किए हैं 2000 रुपये के चलान, 2100 रुपये के, और उससे पहले कितने 200 रुपये के चलान, 400 के, बस क्यों 12वें महीने में आके क्यों सारे उठ जाते हैं, क्यों उठ जाते हैं ना? जब एंड होता है बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाते हैं, फाइन करते हैं आवाम के ऊपर, गरीब बंदों के ऊपर पे। अब जो मिडिल क्लास है वो तो चलो अफोर्ड कर लेगा और जो हाई लेवल पे है वो भी कर लेगा इजीली। आप देखिए कि एक टाइम था कि जब मुस्लिम कंट्रीज हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखती थी, ऐसे ही था, सब पाकिस्तान के साथ थे। आज सारा का सारा इस्लामिक दुनिया तो इंडिया के साथ खड़ा और पाकिस्तान तो अकेला है। हम इन चीज़ों को अपनी मीडिया पे क्यों डिस्कस नहीं कर रहे कि आखिर हम क्यों इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं? कोई ना हमें मिला रहा है अपने साथ, ना कोई पैसा हमारे मुल्क में ला रहा है और ना ही कोई बाहर का जहाज हमारे मुल्क आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहला ही हमारा उनके साथ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो ही उन्हें हमें पे ही नहीं किए, वो देन कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर, कैसे पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करें? इसलिए पाकिस्तान अकेला हो गया, इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है, जी डॉलर अर्न करूँ,
फ्रीलांसिंग करूं, मोबिलिटी करूं, कंपेन्स करूं, वट एवर। यार अंग्रेजों को तुम पागल बना रहे हो। अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है वो स्कैम करके, आर यू स्कैमर, आर यू स्कैमर, स्कैमर का मीनिंग क्या है मुझे बताएं। मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करा उसको भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही। ट्रस्ट फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेजोन है, ठीक है, इतनी ज्यादा एप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता। यूएई के जो शेख हैं वो गए हैं इंडिया, अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है, मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान का कोई बंदा ना यूएई गया है ऐसे, और ना ही इंडिया गया, ना कहीं और गया है, लेकिन इंडिया के यूएई के शेख उनके लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या वजूहत है? ऐसे तो बड़ा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर नज़र आते जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा एंड पर जाता जा रहा है, इससे क्या बैड इफेक्ट आएगा? इससे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई, जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। अनलिमिटेड वीज़ा किया सऊदी ने, अनलिमिटेड। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है, हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता कि अब जो जराइम चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, वो तो है इकोनॉमी की वॉर। अगर कोई बंदा हिंदू भी है, काफिर भी है, कोई भी है भाई, वो आगे जाएगा तो कोई भी उसको अपने मुल्क में बुलाएगा। आप देखें, पाकिस्तानी जब यहाँ से कोई जाता है तो भीख मांगने लग जाता है, कुछ भी करता है वहाँ जाके, लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करता। जब इंडियन नहीं करता तो इंडिया को प्रेफरेंस मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब ये देखें, पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। क्या वजह है? मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान को चुम्मा क्यों नहीं दे रही? मतलब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? हमारे यहाँ पे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर किए जा रहे? इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर किए जा रहे हैं? और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फाइन, वेल। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो पहले हमने रिकॉर्डिंग एक वीडियो टॉपिक किया था वो बहुत पसंद किया गया, हिस्ट्री के हवाले से, खासतौर पे जो आपने बातें की। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने। आज मैं ये चाहूंगा कि डायरेक्टली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया जाए, कि हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक है, मुस्लिम उम्मा, और ये सारा कंसेप्ट हमें बताया जाता है। यूएई क्या मुस्लिम उम्मा नहीं है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है? सातवां बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया का। ये अभी जो गुजरात समिट होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे ऐसे समिट क्यों नहीं? कि इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, अश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी कर...